काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद हम लोग पीहू का मूड बहुत ख़राब हो गया था। तो ये है विक्टोरिया मेमोरियल पार्क बनारस का, फिर जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग की थी ये वहीं पे था। तो पीहू को दिख गया झूला वूला, तो फिर पीहू जिद करके कि मम्मी जाना है मम्मी जाना है। तो वहाँ की पीहू का मूड तो ख़राब है ही है, तो पीहू को हम लोग ले करके इस पार्क में मैं आ गई, एंट्री तो कर ली। अब यहाँ पर पीहू दौड़ के जा कर के बाइक पर बैठी और इनके पापा का इंतज़ार हो रहा था कि जल्दी से आएँ। ये पार्क बहुत ही खूबसूरत था। एक तो मीठा, ये जो धूप का मौसम था इसमें सब लोग चाहते हैं कि बाहर निकले, अच्छे से धूप निकले। और ये टिकट काउंटर वहाँ पे था, यहाँ से टिकट लेकर के नहीं मिला। टिकट का एंट्री फीस तो बाहर से लेना था, लेकिन बाहर जो अंदर जो झूला वूला का था ये सारा व्यवस्था, ये देख के बहुत खूबसूरत पार्क था, बहुत सुंदर। यहाँ पर छोटे से बच्चों के लिए तो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए पार्क होता है, और बड़े गार्जियन भी इंजॉय कर रहे थे। जब बच्चा आपका खुश होता है, बच्चा आपका खेलता कूदता है, उसके चेहरे पे स्माइल होती है, तो अपने आप में ये खुशी मिलती है। और उस खुशी को हम लोग पीहू के भी चेहरे पे देख सकते हैं। अभी तो पीहू अभी जैसे उसकी उसकी नज़र एक दूसरे झूले पे इस पे जा रही थी, तो पीहू तो हमको एकदम दौड़ा दी। सब बच्चे अपने मम्मी के साथ, एकदम सबकी मम्मी परेशान अपने बच्चों को लेकर के, कि अब एक साथ सारे झूले पर तो सारे बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे जिद कर रहे थे कि मुझे इस पर भी बैठना है, मुझे उस पर भी बैठना है। अब हम लोग यहाँ पे देखे पीहू खुद यहाँ से उधर उधर भागने लगी कि मम्मी मैं उधर जाऊँगी, तो पीहू एक बोट की तरफ था उधर भाग, मैं पीछे से जल्दी 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 जा रही हूँ। और इसके पापा भी आए नहीं थे, इसके पापा भी बाहर अपनी गाड़ी में से सामान वामान निकाल रहे थे, खाने पीने का सामान था, हम लोग गाड़ी में ही था। तो ले करके बोले मैं आता हूँ, तुम नंदा मैं इसको अंदर तो ले कर आ गई। और उसके बाद जो पीहू ने धमाल किया वो देखने लायक था। पीहू चाह रही थी कि एक साथ मैं सारे झूलों पर बैठ जाऊँ, हर चीज़ का मज़ा एक ही साथ में ले लूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। और मंदिर में हम लोग कहते हैं पीहू चलो पीहू दौड़ो, और पीहू को पार्क में आते ही पीहू के जोश वापस आ गया। पीहू हमारे पहले की जैसे खूब खेलने लगी कूदने लगी, खुश हो गई। अब इसके पापा भी आ गए, अब इसके पीछे पीछे हम बोले अब मेरी ड्यूटी समाप्त, आप अपनी बेटी के पीछे पीछे अब भागिए, अब मैं नहीं भाग सकती, मैं बहुत थक गई। उसके बाद मेरे भाग आने से पहले ही पीहू इस पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, और मैं तो डर रही थी, लेकिन ये मैं बोली कि अब मैं इसको नहीं डराऊंगी, मैंने हिम्मत दिया था बेटा तुम जाओ तुम चली जाओगी। तो पीहू अपने एकदम आराम से देखिएगा अभी कितने अच्छे से उसको वो करके चली जाएगी, और जाकर अपना झूले का स्लाइडर का मतलब ये देखिए। अब मैं इसको देख के मैं डर गई, अरे बेटा बेटा। फिर मैं बोली कि नहीं मैं डरूंगी तो मैं अपनी बेटी को क्यों डराऊँ। तो मैंने उसका पैर पकड़ के थोड़ा सा, अब मेरी बेटी ऊपर स्लाइडर के ऊपर चली गई। अब देख रही मम्मा किधर से जाऊँ, मैं बोली इधर से आओ, तो मैं इधर से उसका इंतज़ार कर रही थी। तब तक पता चला कि पीहू उधर से भी था, चारों तरफ से स्लाइडर था, पीहू इसके अंदर आएगी इतने दूर, फिर भागेगी उधर। ये पीहू भाग गई, पीहू फिर मैं जल्दी 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 दौड़ के गई कि पीहू को भी देखना था, पीहू इधर उधर भाग ना जाए गिर ना जाए। अब पीहू की मस्ती शुरू, ये पीहू स्लाइडर पे, या पीहू आ गई, या अब पीहू कह रही मम्मी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मम्मी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, थैंक यू मम्मी। और फिर पीहू हमारे बेटा इधर से नहीं जाओ, अब सीढ़ी के रास्ते जाओ, इधर सीढ़ी भी है। तब पीहू एकदम खुशी से झूमते हुए, अब पीहू का आने का मन नहीं कर रहा था। पीहू बहुत चारों तरफ एकदम अपना स्लाइडर में, उनके पापा उधर अपना बैठ के खाने लगे थे, बोले तुम खाओ, बोले आप खाइए मुझे नहीं खाना है, मैं अपनी बेटी के साथ साथ ही, क्योंकि मुझे ये छोटे छोटे मोमेंट बहुत अच्छे से मुझे कैप्चर करना था। क्योंकि जब पीहू बड़ी होगी तो देखेगी कि मैं कितना ज़्यादा मस्ती करती थी, और मम्मी मेरा कितना सपोर्ट करती थी, क्योंकि मैं भी बहुत मस्ती करती थी। अब मैं पीहू को चाहती हूँ कि एक छोटी जिससे छोटी मस्ती है वो करती जाए, अपना एक एक बचपन अच्छे से इंजॉय करे। तो मैं इसको ज़्यादा रोकी टोकी नहीं हूँ, चलो एक दिन तो बड़ा होना ही है ना। तो ये मैं देखिए पीहू को फिर मैं अपने हाथों से ही इसको, अब सारे बच्चे बैठ गए तो मैं कैसे सब बच्चों को हटाऊँ। मैं बोले ठीक है तुम लोग बैठो मैं झुलाती हूँ, इसको हाथ से घुमाने वाला था, तब मैं घुमा ही रही थी। तब तक पीहू बोले अच्छे से खड़ी हो, मैं किसी का इंतज़ार भी कर कोई आए कोई आ नहीं रहा था। फिर मैं बोले चले मैं अपनी बेटी को मैं ही घुमा दूँ, देखिए मैं अपने हाथों से ऐसे घुमा करके। तो वो बच्चा भी आने लगा, मैं जल्दी से आके खड़े हो जाओ मैं करती हूँ। तो बाकी लोग भी लोगों ने भी किया, लेकिन मुझे ये करने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पीहू मेरी बहुत ज़्यादा खुश थी। पीहू को जाना है, हाँ ले चलूँगी साइलेंट रहो।
उस तो इसके बाद इतने मेरी पीहू की, अभी पीहू देखिएगा कहाँ भाग के जाएगी, कहाँ भागेगी पीहू, फिर से कूदेगी आ कहेगी मम्मा अब इस पे ले चलो, अभी इस लो आ गए तो ये लो इस, हाँ बड़ा वाला भैया भी अब इसको झुलाएगा ना, बोलता है तुम लोग बैठो मैं झुलाता हूँ। अरे भैया को तेजी से झुलाते हुए अब पीहू के चेहरे की स्माइल, इतनी सुंदर स्माइल मेरी बेटी की। अगर उनके बच्चों की मम्मी लो, वो लोग भी खड़े, देखिए बच्चों बच्चे जब खुश होते हैं ना तो माँ बाप अपने ही खुश हो जाते हैं, और अनजान बच्चे भी दोस्त बन जाते हैं। बच्चे तो किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, बच्चे तो होते हैं ना कहते हैं भगवान के रूप होते हैं, किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं किसी से। फिर पीहू कूद के यहाँ से भागने वाली, कहाँ भागेगी पीहू की, झूले पे भागने वाली है। अब पीहू भागेगी, किधर भागती है किधर भागती है, देखिए कहाँ भागती है पीहू। पीहू अभी यहीं से बैठ करके देख रही थी कि मैं किस झूले पे जाऊँ, उतरी पीहू। अब पीहू फिर स्लाइडर पे जाएगी क्या, पीहू फिर स्लाइडर पे गई, पीहू फिर स्लाइडर पे गई, और फिर पीहू स्लाइडर पे गई फिर स्लाइड करने के लिए। फिर मैं बोली मैं पीहू तुम स्लाइड करो फिर मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो पीहू कही मम्मी मैं आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। अब इतना इसमें आधा दूर जाएगी फिर भाग जाएगी, हमको उल्लू बना रही थी वहाँ पे बैठ करके, दिखा रही थी कि मम्मी मैं इधर से आऊँगी और उधर से भाग जा रही थी, आई 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 और नहीं आएगी। अरे ये क्या हुआ जी, मेरी बेटी गिरने में बची क्या, अब नहीं आएगी, अब फिर भाग जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ पीहू, आ जाओ पीहू, आ जाओ पीहू, क्या है पीहू किधर गई, अरे पीहू किधर गई भाई, मेरी पीहू किधर गई, मेरी पीहू किधर गई, अरे पीहू किधर गई मेरी पीहू, पीहू 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 इधर से आ गई, अब इधर से स्लाइडर पे पीहू आ गई आ गई आ गई आ गई पीहू, ये है मेरी पीहू। तो मैं चाह रही थी पीहू कुछ खा भी ले, लेकिन पीहू तो खाने के मूड में नहीं थी, मैं खस्ता ले गई थी खिलाने के लिए, लेकिन नहीं, फिर इधर से पीहू ट्राई करने लगी। पीहू तो मुझे इतना डराने में लगी हुई थी, मैं क्या बताऊँ, वह मेरा बच्चा। अब फिर पीहू यहाँ से कहाँ भागी, कहाँ भागी रही मुझे, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई, मैं पीहू कहाँ चली। पीहू हमको इतना दौड़ाई थी उस दिन, इतना दौड़ाई थी। ये देखिए सबके मम्मी पापा अपने अपने बच्चों को एंजॉय कराते हुए, फिर पीहू स्लाइडर पे, स्लाइडर पीहू को बहुत पसंद है, और कहती भी है कि मम्मी तुम स्लाइडर मंगा दो, मैं बोली ठीक है मंगा दूंगी, तो अब इसके लिए मैं स्लाइडर बहुत जल्दी मंगाने वाली हूँ। ये हाँ इसको स्लाइडर बहुत पसंद है, स्कूल में भी जाती है तो स्लाइड बहुत करती है। ये पीहू आई मेरी नीचे, क्या नीचे आई। अब पीहू भागी 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 बोटिंग करने के लिए, मैं बोली कि बेटा मत जाओ, ये देखिए यहाँ पे इतने अच्छे से झूले थे, लाइट पे इतना बढ़िया बढ़िया झूला, इतना अच्छा लग रहा था देख करके, सारे बच्चे बैठ रहे थे तो मेरा भी मन कर रहा था मैं भी बैठ जाऊँ, लेकिन इसमें बड़े लोग का अलाउ नहीं था, बच्चों का था, इस वजह से मैं बैठ नहीं पाई। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको भी देखा कि कैसे सब झूला ये झूलेगा, तो मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई थी, अब ये झूला चल दिया, वाह आ गया मज़ा। उसके बाद इधर इधर बच्चे बोटिंग कर रहे थे, ये देखिए ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने पीहू को नहीं जाने दिया क्योंकि पीहू अभी की कभी की नहीं है ऐसे, और गिर जाती तो कपड़े उपड़े उसके भीग जाते और काफ़ी चोट भी लग सकता था, तो इसलिए मैं नहीं भेजी इसको कि थोड़ा सा और बड़ी हो जाना। तो फिर इधर हम लोग इधर आ गए ये सारा इधर पार्क की तरफ, और पीहू के पापा आ गए थे, तो पीहू पापा के साथ चले गए, मैं थोड़ा सा देखी कि इधर आप इस पे बैठने के लिए आ गए, तो मैं चलो बैठाते हैं, और काफ़ी पावर लग रहा था तो हो नहीं रहा था, हमें तो 2-3 बार में मैं थक गई, मैं बेटे अब पापा को आने दो तब मैं करूँगी, लेकिन नहीं मम्मी करो नहीं मम्मी करो, मैं चलो तुम्हारे लिए भी। और फिर कहाँ गई, अब इसके पापा आ गए, अब पापा को पीहू को मैंने दे दिया, उसके बाद मैं बोली अब मैं चल रही हूँ अपना तरफ से, और सर देखो ट्रेन आने लगा, अब ट्रेन पर बैठने के लिए भी जीत तो हम लोग को लेट हो रहा था, ड्राइवर बाबा फ़ोन कर रहे थे कि भैया चलिए चलिए जल्दी लेट हो रहा है,
हम लोग सब निकलने वाले ही थे। इधर सारे झूले सब पार्क में ऐसा झूला वाला होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा पर्स वर्स ले करके सब खड़े हैं और पीहू फिर भाग गई। पीहू को खोजा जा रहा, पीहू किधर गई? अब पीहू देखी पीहू के पीछे पीछे। पीहू उस दिन इतना दौड़ाई थी कि बाप रे, कोई सीमा हद हो गया था। हाँ मैं मना कर दी थी कि आप नहीं आ रहा था, मैं पापा को लेके आ गई कि पापा मुझे इस पे जाना है, लेकिन फिर मैंने इनको इनको भी बोल दिया कि नहीं इस पर नहीं बैठाना है, तो नहीं बैठा इस पर, नहीं बैठाया गया इसको। मैंने बोट लेकर चली बोट लेने के लिए, क्योंकि फिर इस पर हुआ तो फिर मैं बोली कि नहीं अब लेट हो रहा था, इस पर बड़े लोग बैठ रहे थे, ये बड़े लोगों का ही था, तो लेकिन नहीं मैं नहीं बैठी। बस मैं देख करके मुझे अच्छा लग रहा था, मैं बोली छोटे छोटे चीज़ है, इसको मैं इंजॉय करती हूँ, देखती हूँ। और इसके बाद अभी इसमें एक लड़की का भी देखा था, कि लड़की इतनी अच्छे से झूला इंजॉय कर रही थी, छोटी सी बच्ची, कि उसका हिम्मत देखकर बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, लेकिन ये झूला इतना अच्छा लग रहा ना। अरे है मुझे लग रहा मुझे वापस जाना पड़ेगा बनारस, जाकर मुझे भी बैठना पड़ेगा, मेरा मन बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं वापसी निकलने के लिए, इधर आ रहे थे तो इधर हेलीकॉप्टर था छोटे छोटे बच्चों का, तो पीहू गाड़ी पे बैठने के लिए चली गई थी। पहले तो मिकी माउस पे जाएंगी, हेलीकॉप्टर इस बार पीहू मना कर दी कि हेलीकॉप्टर पर नहीं बैठूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रदर्शनी लगा तो उस पर बैठी हुई थी, सारे बस ट्रेन सब पे बैठ के गई थी, तो इसको अब अलग अलग चीज़ देख रही थी कहाँ जाऊँ। तो फिर पीहू यहाँ देखिए मिकी माउस का है, बच्चे सब इंजॉय कर रहे थे। मैंने इसको अब यहाँ पे देखे, एक छोटी सी बच्ची को मैं ये देखी ये क्या है, ये जंप करने वाला नहीं, मैं ऐसा थानी में फर्स्ट टाइम ही ऐसा देखी थी, मैं अभी देखी थी इस पर जंप करते हुए देखे। फिर हुआ कि इसको बांध रस्सी के थ्रू इसको अच्छे से बेल्ट वोल्ट लगा दिया गया, और फिर लगाने के बाद इसको काफ़ी ऊपर टाइम ऊपर जैसे जा, अभी देखिए ये गई 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 ऊपर जाते, थोड़ी सी बेटी थोड़ी सी लड़की डर गई, तो उसकी मम्मी कह रही थी भैया ऊपर जाते मत करिए, माँ नीचे परेशान हो गई थी, लेकिन उसको मज़ा आ रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। वो कह रही थी कि अंकल और ऊपर कर दीजिए, उसकी मम्मी कह रही थी नहीं भैया मत करिए ऊपर मत करिए। तो फिर देखिए कितने अच्छे से इंजॉय करिए। इसमें बचपना ऐसा होता है कि कोई डर ना हो, अगर बच्चे के अंदर डर ना डाला जाए तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। बहुत लोग बच्चों को डरा करके नहीं डर गिर जाओगी हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं पीयू के लिए बोली तो वो बोला कि नहीं 5 साल के ऊपर बच्चों के लिए है, तो इस वजह से नहीं हुआ। ये अब यहाँ पे मेरी पीहू मिकी माउस पे जाने के लिए है, यह पीहू की मस्ती शुरू। ये आपस में भाई बहन थे, भाई चला जा रहा था, बहन जैसे ही जा रही थी पैर खींच दे रहा था। अब पीहू को उस पर जम करके ही मजा आ रहा था, लेकिन अभी पीहू जाएगी। ये पीहू कितना जम करके बेटा, अरे ऊपर भी जाओ, अरे पीहू ऊपर भी जाओ, अरे जाओ भाई, अरे तुम तो यहीं गिर गई, अरे 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 दीदी तुम्हारे ऊपर ही चढ़ने वाली थी जी, अरे चलो 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 जल्दी उठो 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 उठो, हो गया जंप हो गया, उठ जाओ दीदी गिरी, उधर भैया गिरा इधर दीदी गिरी, उठ जाओ बेटा जल्दी भागो भागो जल्दी भागो पीहू भागो भागो पीहू। पीहू तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि बचपना बच्चे मन के सच्चे, सब उनको अपने बचपना जीने का हक है। आज देखिए पीहू बड़ी कितने अच्छे से कोशिश करते हुए ऊपर जाएगी है मेरी बेटी, आराम से रिलैक्स हो करके। मैं देख रही हूँ ये बच्चे तो इतने बदमाश थे, बाप रे बाप,
भाई बहन बहन जा रही थी, भाई पैर पकड़ के खींच दे रहा था। तो देखिए सुन दोस्तों, ये कितना खूबसूरत पार्क है। आप लोग अगर बनारस के हैं, अगर बनारस के अगल बगल के, तो आप लोग आइए। और ज़्यादा 10 रुपये एंट्री फीस था, उसके बाद अगर अलग अलग चार्ज थे सबके टिकट के, अपना वो करके एंजॉय करिए। देखिए मेरी पीहू ऊपर जा रही है एकदम आराम से, पीहू गई ऊपर। मेरा मन कर रहा था मैं भी चली जाऊँ, लेकिन नहीं, बच्चे ही नहीं, बच्चों के बीच में बड़े कहाँ जा पाएंगे। तो पीहू यहाँ पे ऊपर पहुँच गई और उधर से फ्लाइट करके आएगी। पहले तो जंप करेगी, जंप करके अब लोग बुला रहे थे जल्दी आओ घर चलना है, लेकिन नहीं, उसको तो वहाँ से आने का मन भी नहीं कर रहा था। इसी के चक्कर में आने में हम लोग को काफ़ी, घर पे आते ही 6 बज गया, शाम को 6 बजे तक हम लोग घर पे आए। ये स्लाइड करो बेटा, जल्दी आओ पीहू। सेम वही बात वही, लेकिन पीहू मेरी बात आई। पीहू मुन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। तो पीहू की सवारी, पीहू की कार राइडिंग, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्नैक्स वनैक्स भी मिल रहे थे, गोलगप्पे मिल रहे थे और खाने पीने का व्यवस्था है। हो गया स्टॉप, नहीं स्टॉप नहीं हुआ अभी, सोने वाला है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने कार वाले के पास। नहीं अरे कितना देर तक चलेगा यार, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी 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 वापस आओ भाई। यहाँ पे पीहू को हम लोग बार बार करते रोक दो, लेकिन नहीं, और चलना है और चलना है और चलाना है। हम कहते चलो घूमो। अब देखिए मैं वहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रही थी, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब हो गया, अब एक्सीडेंट होने से बच गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ रहता। ओ, फिर से एक्सीडेंट करोगे क्या? अरे 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 बच गया। अरे अरे स्लाइडर पर लेके जाएगी क्या? आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अरे आ भाई, मम्मा इंतज़ार कर रही है, चलना है घर। मम्मा के पैरों में दर्द हो गया था बेटा, जल्दी आ जाओ, बस 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 बस। मम्मी को ऊपर चढ़ाओगी क्या? ओए आ गई, बस रुक दो भाई, रुक दो रुक दो रुक दो रुक दो रुक दो रुक दो, रुक गया। उतर जाओ बेटा, अब उतरो जल्दी से, चलो घर चला जाए। अब हम लोग आ गए अपने इस पार्क में से निकल करके, अपनी गाड़ी के पास आ गए। हम लोग गाड़ी पे बैठेंगे। अब हमारा हम लोग का सफ़र तो यहीं तक था। ये हम लोग का पार्किंग का जगह था,
पार्किंग के जगह पे हम लोग आ गए। इधर से भी काफ़ी अच्छा पार्क था, बोल काफ़ी दूर ही दूरी तक था, अंदर तो मैं जा नहीं पाई, बस मैं बच्चों के एरिया तक थी। उधर बड़े लोगों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए भी बना हुआ था। और यहाँ पे पीहू अपना एक बाहर क्या कहते हैं डमरू खरदवा करके लेकर के बजाते हुए बहुत मस्ती से आ रही थी, और मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से कैप्चर कर रही थी। गाड़ी हम लोग का और उधर था किनारे लगा हुआ था। ये तो दोस्तों ये पार्क बहुत ही अच्छा है, आप लोग आइए इन्जॉय करिए। हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए हम लोग रास्ते पे अपने हम लोग का घर का रास्ता गाजीपुर हम लोग आने के लिए, ये बहुत अच्छा लग रहा था, शाम का समय हो गया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये देखिए जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या।